केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में बृहस्पतिवार की सुबह करीब 10 बजे रेशमा नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला रेशमा का शव उसके बेडरूम में पड़ा मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। मृतिका के भाई को पड़ोसियों द्वारा उसकी मौत की खबर दी गई, जिसके बाद रेशमा के भाई ने पति महबूब पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पति महबूब मजदूरी फैक्ट्री में काम करता है। लगभग 12 साल पहले महबूब और रेशमा की शादी हुई थी। दोनों के 4 बच्चे भी हैं। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतिका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सीओ कोतवाली अमित राय ने बताया कि महबूब को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और रेशमा की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही साफ हो पाएगी। बता दें, रेशमा के भाई ने पति महबूब पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी रवि कॉलोनी में एक महिला का घर में शव मिला है। आसपास के लोगों से पूछताछ की है। जो मृतिका है रेशमा, जिनका नाम है, उनके भाई ने एक तहरीर भी दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति झगड़े के दौरान 1900 रुपये गला घोट के उनके हत्या करते हैं। आस पास के CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं। जो नामित अभियुक्त है उसको पकड़ के हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर, हत्या के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? पूछताछ में चूँकि नामित अभियुक्त उसने पकड़ लिया तो उससे पूछताछ के दौरान ये चीज़ सामने आएगी कि किन कारणों से उसने हत्या की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV।